उसमें हम लोगों का 28 क्वेश्चन हो चुका था। मैं इसमें सोच रहा हूँ सभी क्वेश्चन कर दूँ 50 तक, ठीक है। पाइपलाइन में दबाव को कम करने के लिए किस बल्ब का उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्क्वायर बल्ब, हॉर्न बल्ब, वाल्व, प्रेशर लिपिक। तो प्रेशर लिपिक वाल्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रेशर मीटर, यानी कि सी नंबर हमारा सही है। प्रेशर लिप री लिफ्ट, ठीक है। पाइप में वायु बंद का कारण क्या है, ठीक है। वायु का कारण, ठीक है। पाइप पाइप में वायु बंद का कारण क्या है, वायु का कारण, ठीक है। पानी का कारण, दबाव का कारण, तो ये सभी मतलब वायु का कारण होता है, ठीक है। आंसर इसका हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन किस तेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ब्रेक ऑयल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब मैं अगला देखता हूँ, ठीक है। सीवर लाइन को बिछाने के बाद क्या क्या किया जाता है, ठीक है। तो सीवर लाइन बिछाने के बाद क्या किया जाता है, मैं डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ आपको। मतलब जांच करना, ठीक है। और आपका हम लोगों का आंसर ये सही जाएगा, ठीक है। सीवर लाइन में दो मेल मैन हॉल में दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो 100 फीट होती है, ठीक है। मैं थोड़ा फ़ोन को ऊपर उठा लेता हूँ, ठीक है। ऊपर से ही देखते हैं, ठीक है। सेंसर टैब में क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। सेनेलाइट बल्ब, इंफ्रारेड सेंसर, पावर सोर्स, ये सभी, ठीक है। ये सभी आएंगे इसमें, ठीक है। अब अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 आ गया। मौसम सेंसर का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो इन्फ्रारेड किरण, ठीक है। इन्फ्रारेड किरण, एक्सरे नहीं होता, ठीक है। इन्फ्रारेड किरण होता है, ठीक है। अपना 36 नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पाइप को समकोण में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा टी, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा पाइप को समकोण जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, तो टी आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन तो ये 4 दिए हैं, लेकिन इसका आंसर ठीक है, टी आएगा, ठीक है। ताप की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जूल होता है, ठीक है। ताप की एसआई इकाई क्या होती है, जूल, ठीक है। उसके नीचे आते हैं, वितरण लाइन में कम दाब के पीछे निम्नलिखित में से क्या कारण है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, मैन की वाल्व पूरी तरह की से खुली नहीं, एयर लॉक, फिटिंग में जाम, ये सभी मतलब ये सभी इनका आंसर होगा, ठीक है। नंबर 39 पे ये DWB प्रणाली में W का क्या अर्थ है, ठीक है। अर्थ क्या है, ठीक है। वाटर, वेट, बेस्ट, रिंकल, ठीक है। बेस्ट बेस्ट इसका आंसर है, ठीक है। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन आता है, पाइप को मोड़ते समय पाइप की बाहरी सतह होती है, ठीक है, खिंची हुई होती है, ठीक है। इसका आंसर ठीक है, पीछे को हमें क्या पढ़ना, जब आंसर हमें मिल गया, ठीक है। 41, पाइप में रिसीव की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एयर टेस्ट मतलब एयर टेस्ट करा देते हैं, ठीक है। आंसर ठीक है, टेस्ट पॉलीथिन टेस्ट, ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मैं ये वीडियो यहीं रोकता हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, वो मैं बना दूंगा, ठीक है। मैं वीडियो पूरी कर देता हूँ, ठीक है। एक्थमे थ्रेड का थ्रेड कोण क्या है, ठीक है। इसमें आंसर डायरेक्ट दिखाता हूँ, 29 डिग्री होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रीफ्यूगल पंप का भाग है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ, ये सभी यानी कि कोचिंग, एम्प्लॉयर, डिफ्यूजर, ये सभी, ठीक है। भारत की आर्थिक स्थिति की मजबूत बनाने के लिए औद्योगिक परीक्षण संसाधनों का प्रदान किया है, तो रेगिस्तान रेगिस्तान बनने के लिए दिया है, ठीक है। इंजीनियर, क्लर्क, आर्टिसन, तो स्किल्ड आर्टिसन, तो मतलब स्किल आर्टिसन का उपयोग, मतलब घर के लोग स्किल आर्टिसन का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि भारत में जितनी भी मजबूत औद्योगिक परीक्षण संसाधन हैं, जिन्हें यानी कि ITI कॉलेज हैं, ठीक है। और भी बहुत चीज कंपनी होती है, ठीक है। मानक स्टील रूल किस सामग्री का बना होता है, मानक स्टील रूल किस सामग्री का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। यार पीछे के नहीं है, घर के कार्बन कार्बन स्टील, माइटल स्टील, ब्रास, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। यार मेरा दूसरी नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, ठीक है, आगे को क्वेश्चन, ठीक है।